थोड़ा तोड़ दिया मुझे ने सारी रिकॉर्डिंग में घर पे आके बड़ो भाई की के घटना हुई क्या हुआ उसमें आज क्यों आए थे आज कल क्या हुआ था आपके साथ कल सर धोनी आयो बाले कौन अभी बोलो जी धमकी की दी धमकी दी की धमकी दी मार दो लाल के पुलिस फाइल पास दी दोन रजी कर लो मार दो हमें थे क्या चाहो कहने गिरफ्तार कराना चाहो शांति बाले सरन रंजा तो गिरफ्तार को करया नहीं ना आ साहब मिले के गयो साहब कर लो ठीक मां तो धोखादम के आले मार कूट करे कोनी धोखादम के आले जने बाहर निकलना कौन कार्रवाई करनी चाहिए के होयो के हो तो पूरा मामला मामला ते पड़ सने दुमारा मैं बुआ जे आज से बात करा लेने माते दाई देगी ना मन बात है कोई धोखादम के आले मार पैसा ले नहीं आड़ पड़ काल की होयो तो काल काल हद मम भरे मार को नहीं होने कौन धोखा दमी करी है फोन तोड़ियो है भंगियो है कि तुम बार नीली मार कूद करूं लगे कौन तोड़ियो फोन मेरा हम नैन बुआ चाच तो हां धोनी आई मां धोनी आई तो मुकदमो कराने कितना दिन होया मुकदमो करे ना 15 दिन होया कौन आवे कौन कार्रवाई करनी मार जरूर कार्रवाई होनी चाहिए कि धोखा दम के आले मार भरी करे ठीक देखिए मुकदमा अभी 10-12 दिन पुराना ही है 23 जून को मुकदमा दर्ज हुआ है। उसने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने उसको बहला फुसला के एक लड़के से फ़ोन के ज़रिए संपर्क करवाया और बाद में उस लड़के ने उसके साथ गलत काम किया। मुकदमा दर्ज करे और चूंकि एक से ज़्यादा दो लोग इन्वॉल्व होने से मुकदमा दर्ज हुआ गैंग रेप की धाराओं में। DYSP गुड़ामलानी द्वारा तफ्तीश की जा रही है। पीड़िता के मेडिकल हुआ है कोर्ट में बयान हुए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। आज इस परिवार के बाद IO से बात की गई है और जल्द ही इसमें जो भी मेरिट्स पे मुकदमे का निस्तारण और यदि आरोप प्रमाणित है तो गिरफ्तारी जो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बोला है। जो फ़ोन तोड़ने वाली बात है उसको हम वेरीफाई करेंगे और अगर वो घटना हुई है तो उस पर एक नया मुकदमा दर्ज कराएंगे और उसमें भी कार्रवाई करेंगे।